नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आपका वेलकम करता हूँ मनोज अकेडमी क्लासेस वीडियो सीरीज के अंतर्गत। साथियों, आज मैं 30 प्रश्न कंप्यूटर के लेके आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए हैं, जैसे LDC भर्ती परीक्षा है, पटवारी भर्ती परीक्षा है, SSC है, बैंकिंग है, रेलवे है, वो तमाम भर्ती जिनके अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, उन भर्तियों के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो के साथ में शुरू से लेकर के लास्ट तक आप बने रहिए। तो आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए चलता हूँ पहले प्रश्न की तरफ। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के आविष्कार कौन है? इस बात का ध्यान रखना साथियों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, ओनली मैं आपको प्रश्न को पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद में डायरेक्ट हमें जो आंसर को शो करेंगे। पहला प्रश्न क्या है साथियों, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? हमारे पास में चार ऑप्शन है, तो साथियों अगर आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? आंसर सी, चार्ल्स बेबेज। प्रश्न नंबर दो देखिए साथियों, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? क्या था साथियों, हमारे पास में चार ऑप्शन है, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? एनिक, ऑप्शन बी, ये हमारा राइट आंसर है। प्रश्न तीन देखिए साथियों, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर है जिसकी खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? हमारे पास में चार ऑप्शन है, 1949, 1951, 1946 और 1947। तो साथ ही इसमें राइट आंसर कौन सा है? 1946, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। प्रश्न नंबर चार देखिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? हमारे पास में चार ऑप्शन है, 1977, 2000, 1955 और 1960। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है साथियों? 1960, ऑप्शन हमारा डी इसमें राइट है। प्रश्न नंबर पांच देखिए, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसी तरह के प्रश्न है जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है। प्रश्न को आप ही देखिए, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ए में है गणना करने वाला, बी संगणक, सी हिसाब लगाने वाला और डी परिगणक। तो साथ ही इसमें राइट आंसर कौन सा है हमारा? संगणक, ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट है। कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक, आपको ध्यान देना है साथियों। ये प्रश्न नंबर छह, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपको याद है तो साथियों आप इसका आंसर दे सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस है जो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा इसमें राइट होगा। प्रश्न नंबर सात देखिए, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? प्रश्न नंबर सात क्या है साथियों? सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? आप सभी को याद होगा और जिनको याद नहीं है वो आप देख सकते हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है साथियों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आठ देखिए साथियों, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो साथी इसमें राइट आंसर कौन सा है हमारा है जो वॉलफ्रम अल्फा है जो सर्च इंजन नहीं है, बाकी ये तीनों है जो हमारे सर्च इंजन का काम करते हैं, अर्थात हम इनसे कुछ भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ डी को छोड़ करके। प्रश्न नंबर नौ देखिए साथियों, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? ए माउस, बी कीबोर्ड, सी स्कैनर, इनमें से सभी। इन्होंने इनपुट इकाई पूछा है, तो साथ ही हमारा ऑप्शन क्या है? डी है, अर्थात माउस भी इनपुट इकाई है, कीबोर्ड भी इनपुट इकाई है और स्कैनर भी इनपुट इकाई है। तो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही छोटा प्रश्न है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न से जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है साथियों। इनपुट इकाई है जो तीनों ही है, माउस भी है, कीबोर्ड है, स्कैनर है। प्रश्न नंबर 10 देखिए साथियों, 1 किलोबाइट के भी कितने बाइट के बराबर होते हैं? ए है 124 बाइट, 1024 मेगाबाइट, सी 1024 गीगाबाइट, इनमें से कोई नहीं। तो साथी हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? 1024 बाइट। 1 किलोबाइट के भी कितने बाइट के बराबर होता है साथियों? 1024 बाइट के बराबर होता है, तो ऑप्शन ए हमारा इसमें राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, 1 मेगाबाइट MB कितने बाइट के बराबर होते हैं? हमारे पास में चार ऑप्शन है, 1024 KB,
1024 MB, सी 1024 GB और डी 1024 TB। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा साथी हमारा, 1024 KB, ऑप्शन ए हमारा राइट है। प्रश्न को आप देखिए, 1 MB कितने बाइट के बराबर होते हैं, तो 1 MB साथी कितने बाइट के बराबर होता है, 1024 KB के बराबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसी तरह के प्रश्न से जो एग्जाम के अंदर है जो पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 12 देखिए साथियों, 1 GB कितने बाइट के बराबर होते हैं, तो साथियों 1 GB है जो कितने बाइट के बराबर होता है, 1024 MB के बराबर, ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, आपको इसको भी ध्यान में रखना है कि 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है, 1024 MB के बराबर। प्रश्न नंबर 13 देखिए साथियों, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं, कंप्यूटर में जो IC चिप होती है वो किसकी होती है साथियों, आप सभी को पता होगा हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम के अंदर जो पूछ लिया गया है, तो साथियों हमारा राइट आंसर कौन सा है इसमें है जो सिलिकॉन की, कंप्यूटर की जो IC चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है, आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन डी हमारा इसमें राइट है। प्रश्न नंबर 14 देखिए साथियों, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है, साथियों हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं, तो HTTP का विस्तृत रूप क्या है, तो साथियों हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 15 देखिए साथियों, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है, हमारे पास में 4 ऑप्शन है, ए बेसिक, बी जावा, सी लोगो, डी पायलट, तो साथियों हमारा राइट आंसर कौन सा है इसमें, सी लोगो, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 16 देखिए साथियों, एक सुहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है, ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, बी नोटबुक कंप्यूटर, सी वर्क स्टेशन कंप्यूटर और डी PDA कंप्यूटर, तो क्या कहलाता है साथियों, जो नोटबुक कंप्यूटर, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए साथियों, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है, किससे है साथियों, कोडांतर से मशीन तक, कोडांतरण से मशीन तक, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए साथियों, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, क्या होती है साथियों, एक प्रोसेसिंग द्वारा, बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, सी बिना किसी प्रोसेसर के और डी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी है एक से अधिक प्रोसेसर, ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 19 देखिए साथियों, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, ए बबल मेमोरी, बी फ्लॉपी डिस्क, सी CD-ROM और डी कोर मेमोरीज, तो हमारा राइट आंसर कौन सा है साथियों, CD-ROM, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। प्रश्न को आप देखिए, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है, CD-ROM, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए साथियों, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं, ए माइक्रो, बी प्रोसेसर, सी आउटपुट और डी अर्थमेटिक लॉजिक, तो हमारा राइट आंसर कौन सा है साथियों, डी अर्थमेटिक लॉजिक, तो ऑप्शन डी हमारा इसमें राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए साथियों, CPU के ALU में होते हैं, CPU के ALU में होते हैं रैम स्पेस, बी रजिस्टर, सी बाइट स्पेस और डी इनमें से सभी, तो साथियों हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी रजिस्टर, CPU के ALU में होते हैं रजिस्टर, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए साथियों, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए डिस्क यूनिट, ऑप्शन बी मॉडम, ऑप्शन सी
ALU, ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा साथियों, ऑप्शन सी ALU। तो आपको प्रश्न को वापस देखना चाहिए, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, ALU का। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23 देखिए साथियों, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। हमारे पास में चार ऑप्शन है, प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम और प्रोटेक्टर। तो साथ ही हमारा राइट आंसर कौन सा है, प्रोसेसर, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 24 देखिए साथियों, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं, ए ALU कंट्रोल यूनिट और रैम, बी ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ऑप्शन सी क्रैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर कौन सा साथी हमारा, ऑप्शन बी। प्रश्न को वापस देखिए, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग होते हैं, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 25 देखिए साथियों, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रण करता है, कंट्रोल यूनिट ए, बी ALU, सी मेमोरी यूनिट और डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, कंट्रोल यूनिट। प्रश्न को वापिस देखिए, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, कंट्रोल यूनिट। तो ए आंसर हमारा राइट होगा। प्रश्न नंबर 26 देखिए साथियों, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 27 देखिए साथियों, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, बुनियादी कार्य नहीं है। ऑप्शन ए डाटा को प्रोसेस करना, बी टेक्स्ट को स्कैन करना, सी इनपुट को स्वीकार करना और डी डाटा को स्टोर करना। तो साथ ही हमारा राइट आंसर कौन सा है, टेक्स्ट को स्कैन करना, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 28 देखिए साथियों, परिचालन संपन्न करता है एल्गोरिया, अर्थमेटिक, ASCII और इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही हमारा राइट आंसर कौन सा है इसमें, अर्थमेटिक। प्रश्न को वापस पढ़िए, परिचालन संपन्न करता है, ऑप्शन बी अर्थमेटिक। प्रश्न नंबर 29 देखिए साथियों, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है, ए मदरबोर्ड में, बी मेमोरी में, सी CPU में, डी RAM रैम के अंदर। CPU, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, आपको इसको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 30 देखिए साथियों, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, प्रोसेसिंग, बी अंडरस्टैंडिंग, सी इंप्यूटिंग और डी आउटपुटिंग। तो साथियों हमारा राइट आंसर कौन सा है, अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, ये कार्य जो कंप्यूटर नहीं करता है। अगर साथियों आज का वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ में शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाना, जिससे कि मेरे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप रह सको मेरे से कनेक्ट। तो फिर मिलता हूँ साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, जब तक आप बने रहिए मनोज अकेडमी चैनल के साथ में। धन्यवाद।